चलता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एक बहुत दिलचस्प और बहुत ही अहम टॉपिक की जानब जा रहे हैं, जो कि है हमारा इंग्लिश हैंड राइटिंग का। हैंड राइटिंग मैंने एज अ टीचर ट्रेनर फील किया कि हमारे फील्ड में बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती और कुछ टीचर्स की भी इतनी आला पाए की नहीं होती। तो मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग वर्कशॉप और दूसरी जितने भी ट्रेनिंग के मेरे सेशन हुए, मैंने मुख्तलिफ सेशंस में हैंड राइटिंग पर काम करवाया और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोगों ने उसे फॉलो किया और बच्चों की राइटिंग बहुत इम्प्रूव है। इधर फिर हम उसको रिवाइज़ करते हैं ताकि जो नए लोग हैं वो भी सीख लें कि हैंड राइटिंग कैसे सीखनी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है या खुदा न खास्ता इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उससे एक काम करें कि आप अपनी एक फोर लाइन वाली कापी उठाएँ और एक पेंसिल और फिर यहाँ पर पहुँचे, फिर हम आपको बताते हैं कि आपकी राइटिंग इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स कैसे चेंज होती है। तो इस हैंड राइटिंग का की खास बात यह होगी कि ये इंतहाई बेहतरीन, ईजी टू लर्न है और लेटेस्ट राइटिंग है जो इस वक्त दुनिया में चल रही है, कंप्यूटराइज राइटिंग है। और इसको मैंने मुख्तलिफ स्टेप्स में सिखाने की कोशिश की है, ना सिर्फ आप खुद समझ सकेंगे बल्कि किसी को भी बता सकते हैं कि राइटिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। ए से हम स्टार्ट करते हैं कि लेटर ए हमने कैसे लिखना है। इसका पहला जो स्टेप होगा लेटर ए का, इस तरह से गोल हमने एक लिखना होगा, ये पहला स्टेप है इसका। दूसरे स्टेप में जस्ट हमें इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाना होगी बिटवीन द टू लाइंस, ये ए है। ये इस तरह का ए हमने नहीं लिखना है, अगर स्टूडेंट ऐसे लिखा हुआ है उनको बताना है कि ये दो लाइनों के दरमियान में हो और इसका जो सिरा ये दोनों लाइनों को टच कर रहा हो, ना तो ये लाइन ये छोटा सा हो और ना ये बहुत बड़ा हो, इस तरह से इस बात का ख्याल रखना है। इसके बाद हम बी सीखते हैं कि बी कैसे लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन एक हम लगाएंगे ऊपर वाली तीन लाइनों पर, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमें इसको यूँ करना है कि यहाँ से इसको लेकर ऐसे इसको गोल करके ये दोनों लाइन को टच करेगी और इसको इधर से मोड़ के इधर मिला देना है, ये हमारा बी। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सी है, यहाँ से इसको इसका सिरा स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ से गोल करके ये सी ऊपर से भी गोल हो और नीचे से भी गोल हो, अगर स्टूडेंट ने गलत ही है तो हमें बता दें सी। इसके बाद डी है, इसका पहला स्टेप एक ही तरह, इसका ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप स्ट्रेट लाइन, इसको यहाँ पर ऐसे मिला दें, ये इसका भी सीधा नहीं बनाना, हमें इसको इस तरह से नहीं लिखना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको आपस में मिला देना है, ये स्ट्रेट। ई इंतहाई आसान है, ये दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, आप इस लाइन को ऊपर से भी गोल कर देंगे और नीचे से भी गोल कर देंगे, फिर ये हमारा बहुत खूबसूरत सही बन जाएगा। इसके बाद है एफ, ये स्ट्रेट लाइन, इसको कोशिश करें यहाँ से क्रॉस करें। इसके बाद जी का पहला स्टेप जो है, इसका पहला सिरा है, ये गोल हो, दोनों लाइनों को टच कर रहा हो। दूसरे स्टेप में हम इसको ऐसे करके यहाँ से नीचे लाकर तीसरी लाइन पर इसको ऐसे मोड़ देंगे और ये कोशिश करें कि इसका जो सिरा ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो, ये बड़े छोटे मिला, जी हो गया, इसको हमें साथ में बिल्कुल मिलाना है। इसके बाद एच है, पहला स्टेप स्ट्रेट लाइन, दूसरे स्टेप में हमने इसको ऐसे करके यहाँ पर छोड़ देना है, हमारा एच है। इसके बाद आई, ये दो लाइनों के दरमियान में होगा ऐसे और यहाँ पर एक इसका नुक्ता। इसके बाद जे, ये ऐसे स्ट्रेट, इसको यहाँ पे मोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसका नुक्ता निकालना है। जे के बड़ा आसान और खूबसूरत होगा, ये स्ट्रेट लाइन पहला स्टेप, ये इसका दूसरा स्टेप और ये इसका तीसरा स्टेप। के एल स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये हमारा एल होगा। एम बड़ा प्यारा होगा, ये पहला स्टेप इसका, यहाँ से इसको पकड़ के ये दूसरा स्टेप और ये इसका तीसरा स्टेप। कुछ इसकी लाइन के ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए कोई भी लाइन, एम। इसके बाद एन बिल्कुल इसी तरह से, ये एन, इसके साथ ही ये ओ दोनों लाइनों पर टच करता हुआ। और पी देखें, नीचे वाली तीन लाइनों पे होता है पी ऐसे, इसको यहाँ से पकड़ कर ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे, इसकी ये नीचे वाली जगह नजर आनी चाहिए, ये वाला सिरा इसको मिला दें पी। इसके बाद है क्यू,
क्यों भी हम इसका पहला सिरा, ये इसका पहला स्टेप बड़ा खूबसूरत, इसको स्ट्रेट नीचे ले कर रहे हैं दूसरा स्टेप, और इसको यहाँ से ऊपर ले जाना है ये तीसरा स्टेप, ये हमारा ट्यूब बहुत खूबसूरत। इसके बाद आर है, ये आर भी डिफरेंट होगा स्ट्रेट लाइन, और इसको एक साइड को राइट साइड को ऐसे मोड़ देना है, ये मैं दोबारा कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन इसको ऊपर ले जाके सिर्फ राइट पे मोड़ना है, दोनों साइड पर नहीं मोड़ना। और इसके बाद एस, दोनों तरफ से गोल ऊपर से भी नीचे से भी। इसके बाद टी, और ये हमारा यू पहला स्टेप और ये इसका दूसरा स्टेप, वी में पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप, एक्स में ये पहला स्टेप और ये इसका दूसरा स्टेप, इसी तरह से वाई में ये इसका पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप यहाँ से लेकर, इसके बाद हमारा ये डब्ल्यू है, इसका ये पहला स्टेप, ये इसका दूसरा स्टेप, ये इसका तीसरा स्टेप और इसका ये चौथा स्टेप। आप तो कुछ पूरा गलती करते हैं, डब्ल्यू को ऐसे ऐसे और ऐसे इसका जो ये वाले सिरे हैं इनको खुला कर देते हैं, ये गलत है, इसको स्ट्रेट रखें, उसके बाद ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, इस तरह से डब्ल्यू खूबसूरत लगेगा। इसके बाद है एक्स, इसके बाद है वाई में भी हमारे दो स्टेप ऐसे और इसको ऐसे, इसके बाद जी में भी हमारे एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। आज हमने सीखा कि ए टू जी डिफरेंट स्टेप्स के साथ राइटिंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनको मिला के लफ्ज़ कैसे बनानी है और लफ्ज़ से फिर जुमले कैसे बनाने हैं, ताकि हम लिखते हुए इन सारी खूबसूरती के साथ लिख सकें। ठीक है, अल्लाह।